22 जनवरी, ये मंत्र जपने से आता है पैसा ही पैसा। कौन सा है ये मंत्र जो आपको जपना है? ये मंत्र इतना पवित्र है, इस दिनांक की तरह ही, इस डेट की तरह ही, जो आपके जीवन में धार्मिकता लाता है और आपके जीवन में हर जगह आपकी विजय होती रहती है, हर जगह आपका पैसा जो फंसा हुआ होता है वो वसूल होने लगता है, आपको आपका खोया हुआ साम्राज्य आपको मिल जाता है। इतना सटक सटीक है, मतलब खोया हुआ साम्राज्य मिलने से मतलब है आपके जो मकान है या जायदाद है वो आपको मिल जाती है, खोई हुई संपत्ति आपको मिल जाती है, झगड़ा फसाद आपके जीवन से ख़त्म हो जाता है और आपका जो हक है वो आपको मिल जाता है। लेकिन ये मंत्र आपको 22 तारीख को ही जपना है और 22 तारीख को जपना चालू कर दीजिए, फिर डेली जप सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट रुकावट नहीं है। लेकिन 22 तारीख बहुत शुभ है और ये मंत्र आपको धार्मिकता देता है और आपको रक्षक कवच की तरह काम करता है और ये मंत्र आपको इतना अथाह पैसा देता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं उस अद्भुत मंत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। 22 जनवरी अयोध्या का दिन है, श्री राम जी का दिन है और आपको पता ही होगा इस दिन क्या है। और आपको इस दिन दीपक जलाने चाहिए शुद्ध घी के, दिवाली की तरह रोशन करना चाहिए अपने घर को, अपने धर्म स्थान को, अपने पूजा स्थान को, और चमत्कार देखने से आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपको ये चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाई देगा। इस दिन भगवा या पीला रुमाल अपने पास अवश्य रखें और श्री राम नाम जपें तो आपको फ़ायदा मिलता है। आप लोग जानते ही होंगे त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के रूप में हुआ था। तो भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री राम और ये आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति हैं, इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो श्री राम का जन्म रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम की उपासना डेली करनी चाहिए जिससे आपको कल्याण हो और आपको आदर्शवाद की स्थापना आपके जीवन में हो। जिन मूल्यों को आप ह्रास कर चुके हैं वो मूल्य आपके जीवन में उद्भव हो जाएं उनका और आप आदर्शों पे चलने लगें, ऐसा चमत्कार हो जाए। भगवान राम त्याग की प्रतिमूर्ति थे और श्री राम ने आदर्शवाद की स्थापना की हिंदू समाज में। भगवान श्री राम सौम्य रूप में कार्य करते हैं और धैर्य का परिचय देते हैं हर किसी को। इस दिन अगर आप भगवान श्री राम का पूजन करते हैं, रामनवमी पे तो राम जी का पूजन करते ही हैं, लेकिन इस दिन आप 22 जनवरी को 2024 के दिन श्री राम जी का पूजन अपने मंदिर में करते हैं, घर के मंदिर में, और साथ ही श्री राम दरबार की पूजा करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। श्री राम के 108 नाम इस दिन आपको अवश्य जपने चाहिए। व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं आ जाती हैं, उनके निवारणार्थ आप श्री राम रक्षा स्त्रोत का नित्य पाठ करना चालू कर दीजिए 22 जनवरी से। अत्यंत लाभ होगा और आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ये रक्षा कवच की तरह आपका कार्य करता है। तो इस स्त्रोत को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, इस मंत्र को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। एक भगवा कलर का रुमाल हमेशा अपने पास रखें तो आपकी रक्षा होती है। भगवा रंग जो शौर्य शक्ति का प्रतीक है तो आपको फायदा देता है। हम अनेक मंत्र आपको बता रहे हैं, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करिए, आपको फायदा होगा। ये श्री राम की स्तुति के मंत्र हैं जो आपको फायदा देते हैं और आपके जीवन में पैसा ही पैसा लाते हैं। राम रामाय नमः है, श्री रामाय नमः है, ओम रामाय नमः है, हुम जानकी वल्लभाय स्वाहा। आपको ये मंत्र आपका कल्याण कर सकते हैं और आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं, तो आपको इनको अवश्य पढ़ना चाहिए। और श्री राम गायत्री मंत्र इस प्रकार है, दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्।
ये मंत्र आपको जब अवश्य पढ़ने चाहिए, इनसे आपका कल्याण होता है और आपको ज़िंदगी में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, सहजता से आपके सभी काम बनते चले जाते हैं। श्री राम चालीसा भी पढ़ते हैं तो अति उत्तम है। इंद्र के द्वारा रचा हुआ ये स्रोत बहुत चमत्कारिक है और इसको आप पढ़ते हैं या जपते हैं या डेली पाठ करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। इसकी रचना स्वयं इंद्रदेव ने की है और श्री राम भगवान की पूजा अर्चना के लिए इन्होंने ये लिखा था, निर्मित किया था। इसको जपने से आपके गुणों में वृद्धि होती है, सद्गुण आपके जीवन में बढ़ते हैं, धैर्य आपको साथ देता है, धैर्य के साथ आपको काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। आप दीपकों पे अगर भगवा पेंट करके प्रज्वलित करेंगे 22 तारीख को तो अति उत्तम है। बत्ती भी सिंदूर से ऑरेंज कर लीजिए और प्रज्वलित कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। आपके शौर्य में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी और आपका कल्याण ही कल्याण होता चला जाएगा, पैसा ही पैसा आपके जीवन में आता चला जाएगा। तो करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। हम अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ इसी तरह की बेहतरीन जानकारी देने का आपको छोटा सा प्रयास किया जाता है और आपके सपोर्ट के द्वारा हमको ज्ञात होता है, आपके जो मैसेज हैं उनको उनके द्वारा हमको ज्ञात होता है कि आपको हमारा चैनल कितना पसंद आ रहा है। इसको अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिए और लाभ उठाइए। आप हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। हमें 25 साल का अनुभव है और हमने ये ज्ञान गुरुओं के द्वारा अर्जित किया है। गुरु के द्वारा जो ज्ञान लिया जाता है वो पराकाष्ठा की चरम सीमा होता है, शुभता की चरम सीमा होता है। तो आपको हमारे से लाभ लेना चाहिए। हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। सभी सर्विसेज चार्जेबल हैं लेकिन चार्जेस आपके बजट के अंदर हैं और आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, तो तुरंत संपर्क